अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसीबुल्ला और मेरा साथ है अब्दुल वाहिद बंगल जी। वाहिद, आप बताएं कि बलूचिस्तान में आप कहाँ से ताल्लुक़ है बलूचिस्तान में और आपने क्रिकेट कब स्टार्ट की? वालेकुम सलाम, मैं बलूचिस्तान क्वेटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसी तरह जिस तरह बचपन से हम खेला करते थे, मेरा बड़ा भाई खेलता था तो उसको देख कर शौक बढ़ गया हमारा, तो काफ़ी खुशी हुआ। मतलब इसी तरह ही हमने क्रिकेट स्टार्ट किया अपना, तो आस्ते आस्ते फिर एक टाइम ऐसा आया 2015 में अंडर 16 खेला, फिर 2016 अंडर 16 कैप्टन रहा, 2017 में 3 साल अंडर 19 खेला। बस इसी तरह ही क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर अंडर 19 पाकिस्तान एशिया कप खेला। हाँ सिबुल्ला, आप बताएं, आप भी बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और कैसे क्रिकेट स्टार्ट की, थोड़े सपने बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पहले तो मैं पशीन से हूँ, मेरा ताल्लुक़ पशीन से, और बिल्कुल मेरे वालिद साहब और चचा को देखकर, क्योंकि वो दोनों फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और उन लोगों को देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। उसके बाद मैंने स्कूल क्रिकेट स्टार्ट किया, स्कूल के बाद मैं आया, अंडर 16 के ट्रायल्स दिए, मैंने अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ, पाकिस्तान अंडर 16 की तरफ से खेला और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद डोमेस्टिक 3 साल खेले, उसके बाद डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 19 एशिया कप खेला और 2022 का वर्ल्ड कप खेला अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें सेंचुरी की, फिर आके डोमेस्टिक खेला तो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वाहिद, आप अंडर 16 और अंडर 19 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके और अभी पाकिस्तान शाइन के लिए खेल रहे हो 20 साल की उम्र में, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी खुशी होता है और एजाज़ की बात है जब आप पाकिस्तान की जर्सी पहनते हो, क्योंकि बचपन से ही आपका एक ही ख्वाब होता है कि आप पाकिस्तान से खेलो और पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व करो। वाहिद बंगल से, आप HBL PSL में क्वेटा ग्लेडिएटर की तरफ से खेले हो, तो उसमें बहुत से सीनियर प्लेयर थे, तो आप सरफराज अहमद की कैप्टनसी में खेले हो, तो क्या फील कर रहे हो और क्या सीखने को मिला है आपको? जी बिल्कुल, काफ़ी खुशी होता है जब आप अपने होम फ्रेंचाइज से खेलते हो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने होम टीम से खेल रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं क्वेटा ग्लेडिएटर का हिस्सा हूँ, और स्पेशली जो हमारे कप्तान है सैफी भाई और हमारी मैनेजमेंट के लोग जितने भी, काफ़ी मोटिवेट करते हैं प्लेयर को, कभी मतलब गिरने नहीं देते, हमेशा बैक करते हैं प्लेयर को। बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि आपको वहाँ पर ओवरसीज़ प्लेयर मिलते हैं, उनसे ड्रेसिंग रूम आप शेयर कर रहे होते हो, और आपके अपने प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं तो उनके साथ आप खेल रहे होते हैं, तो काफ़ी खुशी होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हसीबुल्ला, आप बताएं, आप HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से थे और माशाल्लाह आपने पहले ही मैच में 50 रन किए, बाबर भाई के आप उसमें कैप्टनसी में, कैसे आपको लग रहा था और क्या सीखे वहाँ पर? जी बिल्कुल, हर बंदे का यही होता है कि वो एक लेजेंड प्लेयर के साथ खेले, और बाबर भाई जैसे प्लेयर के साथ तो हर बंदे का ड्रीम होता है कि खेले। बहुत खुशी होती है क्योंकि जब आपके साथ वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन खेल रहा हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बाबर भाई के साथ मैं डिस्कस भी बहुत किया बैटिंग के बारे में और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत कुछ बताया भी है, तो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है और हर यंगस्टर के लिए एजाज़ की बात होगी कि वो बाबर के साथ खेलेगा और उससे सीखेगा। वाहिद, आपका तैयारी कैसी थी शाइन गेम की और क्या मतलब आपके गोल है जिम्बाब्वे में, मतलब क्या अचीव करना चाहते हो आप? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने कैम्प में हार्ड वर्क की वहाँ पे रोज़ों में, तो काफ़ी जो हमारी वीकनेस थी उनको दूर करने की कोशिश की, और हमने ट्रेनिंग अपने स्किल्स काफ़ी अच्छे किए, मैचेस जीतेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह, अपना 100% देंगे। असीब, आप बताएं, आप कैंप कर चुके हैं पाकिस्तान के अभी शाइन रोज़ों में कराची में, तो वहाँ से आपको कैसे लगा? एज ए विकेट कीपर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो आप कैसे देख रहे हो आगे? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कैंप हुआ था कराची में अभी प्रीवियस रमज़ान में, तो ये कि उधर ट्रेनिंग भी बहुत की हम लोगों ने और मैचेस भी हुए हमारे, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हुआ वहाँ पे, तो कोशिश करेंगे कि वो जो प्रैक्टिस हुआ है पीछे उसको आगे यूटिलाइज़ करें और जिम्बाब्वे में अपनी टीम को जिताए और जितना हो सके, क्योंकि मैं एज ए ओपनर अपनी टीम को बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी टीम के लिए अच्छा स्टार्ट दूँ ताकि आने वाले बैट्समैनों के लिए आसानी हो और हमारी टीम जीत जाए।